का मंगलाचरण, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले पुष्पांजलि मैंने दी, उसके बाद भूमि प्रणाम, त्रिखंडी प्रणाम, ईश्वर का प्रणाम, गुरु जी का प्रणाम और ये आप सब लोग को प्रणाम करके मैंने भगवान शिव जी के स्तुति के ऊपर मंगलाचरण की। भगवान शिव जिनके जटा से गंगा बहती है, उनकी वाम पार्श्व में पार्वती, उसी भगवान शिव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंगलाचरण की बात मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ओडिसी में, खाली ओडिसी में नहीं है, हर क्लासिकल डांस फॉर्म में एक प्योर डांस होता है और एक एक्सप्रेशनल डांस। सो व्हाट इज प्योर डांस एंड व्हाट इज एक्सप्रेशनल डांस? प्योर डांस में जैसे ओडिसी में हम मंगलाचरण तो प्रेयर डांस हो गया, लेकिन बट्टू, पल्लवी और मोक्ष, ये सब प्योर डांस है। और अभिनय में जैसे मैंने आपको कहा था जो एक्सप्रेशनल भावात्मक नृत्य जिसको कहते हैं वो है अभिनय। आप लोगों से कोई म्यूजिक सीखते हैं? हाथ उठाइए आप। क्लासिकल, अच्छा म्यूजिक जो भी है। डांस अभी नहीं सीखे होंगे तो सीखा तो होगा आपने, क्या क्या सीखे? वेस्टर्न, क्लासिकल, आप कथक सीखा है, और आप भी क्या सीखते थे? थोड़ी बहुत थोड़ी सी, अभी नहीं सीखे, नहीं हो गया। मैं आपके इधर आऊंगी और वर्कशॉप करूंगी, सीखोगे आप? तो अच्छा है कि आप लोग रुचि रखते हैं म्यूजिक में, वेस्टर्न हो या हमारे इंडियन हो, जो भी है। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ अपना पढ़ाई का लाटा कुछ किसी में भी आप लोग को इंटरेस्ट रखना चाहिए, दैट मेक्स यू द होल थिंग, पर्सनालिटी जो है द होलिस्टिक पर्सनालिटी होना चाहिए। हाँ, व्हाट एवर इट इज, जो हमारे जैसे कथक भी सिखाए, कोई भरतनाट्यम देखा भी होगा, उसमें प्योर डांस भी होता है और एक्सप्रेशनल डांस। प्योर डांस जिसमें हमारे गाने लेते हैं, गाने के साथ साथ इसमें ताल बजता है, इट इज कॉल्ड मर्दळ, पखावज भी होता है, जैसे हम हिंदुस्तानी कथक में उसमें पखावज, और इसी के जो ग्रुप में जो है मृदंग जो है वो मणिपुर में बजता है, तो हम लोग डांस करते हैं। डांस में फुटवर्क होता है, फुटवर्क के साथ साथ हैंड मूवमेंट, उसके साथ साथ आईज मूवमेंट, इट ऑटोमेटिकली गोज वेयर द हैंड इज, आईज आते तो वहां पर जाएंगे ऐसे। तो साइमल्टेनियसली फुटवर्क, ताल को दिमाग में रख के फुटवर्क होता है, और आईज मूवमेंट, देन नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, ये सारे एक ही साथ होता है, उसके साथ साथ गाने भी रहता है। लेकिन वन थिंग इज मिसिंग इन द प्योर डांस, दैट इज नो एक्सप्रेशन ऑन द फेस, यानी कि कोई भाव नहीं होता है चेहरे पर। ये भाव क्या है मैं फिर आगे बताऊंगी, लेकिन पूरा नृत्य होता है, तो इसी को कहते हैं प्योर डांस। आज मैं एक प्योर डांस में आपको पल्लवी करके दिखाऊंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि पल्लवी और पट्टू वगैरह ये प्योर डांस के अंतर्गत है। इसमें हम ताल भी लेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताल रहता है। मैं आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो यू नो दैट टेक्निक, टेक्निकल थिंग, लेकिन ताल के साथ साथ मैं डांस करूँगी। लेकिन ओडिसी में एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमारे ओडिसी में एक होता है चौक और त्रिभंगी, जैसे कि इसकी शुरुआत पहले मंदिर से ही हुआ था, भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के जब आप फोटो देखेंगे या जो उनकी मूर्तियां हैं उसको देखेंगे, उनका सिटिंग पोस्चर इस तरह है, सिटिंग पोस्चर इस तरह है। इफ यू सर्च द नेट यू विल सी द फोटोग्राफ्स एंड यू विल सी व्हाई दे डोंट हैव द हैंड्स एंड द लेग्स ऑल्सो, यहाँ तक है और हाथ यहाँ तक है, जो मूर्तियां हैं तीन मूर्तियां उनका, उसके पीछे कहानी है, आप लोग उसको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आप पढ़ सकते हो। तो इसी में जो चौक पोजीशन है, हम इसी पोजीशन को हम उड़ीसी में लिया है, दैट इज कॉल्ड चौक। चौक मीन्स स्क्वायर, जैसे मैं बैठी हूँ इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर, सो दिस इज चौक पोजिशन। देन द त्रिभंगी, त्रिभंगी इज थ्री बेंड्स ऑफ द बॉडी, वन बेंड इज हियर, सेकेंड बेंड इज हियर एंड थर्ड बेंड इज हियर। जब हम राइट साइड में त्रिभंगी बैठते हैं, राइट फुट जो है सामने है और नेक टू द लेफ्ट
आईज टू द राइट एंड इट इज जस्ट अपोजिट वेयर यू सिट ऑन द लेफ्ट साइड. सो दिस इज त्रिभंगी एंड चौक. ये जो दो है जो पोस्चर, दिस इज द मेन पोस्चर सब ओडिसी. आपको और किसी डांस फॉर्म में ये जो है आप देखने के लिए नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई दिस त्रिभंगी पोस्चर इज वेरी आई शुड से इट्स वेरी डेलिकेट. एंड व्हेन वी स्टैंड इन दिस पोजिशन एंड डू द हैंड वर्क या फुट वर्क, उसमें जो बॉडी के मूवमेंट जो है बहुत इट्स लाइक फ्लोइंग मूवमेंट है. दैट्स व्हाई ओडिसी इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट्स मूवमेंट्स आर वेरी फ्लोइंग एंड वी हैव ब्यूटिफुल पोस्चर्स स्टैचूज पोस्चर जो है हम जो लेते हैं जो कुनारक और पुरी के मंदिर की जो मूर्तियों हैं उनसे भाव भंगिमा जो हमने लिए हैं उसी के साथ साथ ये हम करते हैं. एक तो पोस्टर्स मैं आपको दिखाऊंगी. दिस इज कॉल्ड आलस्य. एक मूर्ति उधर है कुनारक में इसी पोजिशन में. ये है निकुंचना. ये है मर्दला. मर्दला के साथ हम ये एक मूर्ति है उसको भी हम डांस फॉर्म में कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. एक मूर्ति है वो लेडी विथ ए मंजीरा. मंजीरा इसको कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं ये इसको कहते हैं. तो ये जो पोस्टर्स को लेके मैं थोड़ा सा डांस दिखा दूँ. मंजीरा का साथ हमने थोड़ा सा दिखा दिया उसको लेके ऐसे हर कोई. ये है दर्पणी लेडी विथ ए मिरर. ऐसे कई प्रकार के जो वहां पर स्टोन स्टैचू है उसकी जो भाग होंगे ना हम इस नृत्य में लिए. तो इसको मिलाकर हम पल्लवी या बट्टू करते हैं. और जो पल्लवी जो एनी जैसे पल्लवी हो अभिनय है जो इसी के जो हम संगीत लेते हैं वो संगीत शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित होना जरूरी है. बिकॉज इट इज क्लासिकल डांस. व्हेन वी डांस फोक तो वी टेक द फोक म्यूजिक. बट व्हेन वी डू द क्लासिकल डांस द म्यूजिक हैज टू बी द क्लासिकल म्यूजिक. फोक म्यूजिक के साथ हम क्लासिकल डांस नहीं कर सकते. अभी मैं आपको एक पल्लवी करके दिखाऊंगी. इट इज बेस्ड ऑन राग मुखारी एक ताली. देखिए पल्लवी. Oh.
Hey, that's in the scene, I can talk, that's in the scene, that's in the scene, I can talk, that's in the scene.